दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटरिनरी डॉक्टर यानी कि पशु चिकित्सक के बारे में। देखिए आप सभी को पता ही होगा कि पशु चिकित्सक क्या होते हैं। हमारे घर में अगर कोई पशु है, हमने गाय पाल रखी है, भैंस पाल रखी है या फिर हमने कुत्ता पाल रखा है, बिल्ली पाल रखी है, अब इनको भी इंसानों की तरह ही कभी कभी बीमारियां हो जाती है, चोट लग सकती है, है ना। और ज्यादातर हमने देखा है कि जो पशु होते हैं कुत्ता वगैरह, इन लोग क्योंकि मूक होते हैं और अपने सेंटिमेंट्स ये अपने जुबान से बयान नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी कभी ये रूठ जाते हैं या फिर इनका अगर पेट खराब है तो हमें बता नहीं सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, हमें काट लेते हैं, तो अगर काट ले तो उनसे हमको काफी सारे कीटाणु मिल सकते हैं, इसलिए हम लोग समय समय पर इन्हें टीकाकरण वगैरह कराते रहते हैं, इनका इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। तो ये सारे काम को जो इंसान अंजाम देता है, यानी कि इनकी बीमारियों का इलाज करना, इनकी चोटों को ठीक करना, इनके काटे हुए का इंजेक्शन लगाना, ये सारे काम जो है पशु चिकित्सक करते हैं। लेकिन पशुओं के लिए पशु चिकित्सक ही काम आते हैं क्योंकि उन्हें ही पता होता है कि एक पशु किस प्रकार से बिहेव करेगा। तो चलिए जानते हैं कि ये एक्चुअली करते क्या हैं, किस तरीके की पढ़ाई इन्हें लगती है और अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको कहाँ कहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, कौन कौन सी डिग्री आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। देखो भारत एक ऐसा देश है ना जहां पर बहुत तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं और पशु चिकित्सक यानी सिर्फ पशुओं के चिकित्सक नहीं होते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिए पक्षियों के भी चिकित्सक होते हैं, यानी कि जो भी प्राणी है दुनिया में मनुष्य को छोड़कर उन सभी का इलाज करना पशु चिकित्सक के काम में आ जाता है। आपको पता ही है कि कुत्ता हो या बिल्ली हो, घोड़ा हो या गधा हो, हाथी हो या जो भी हो, खच्चर हो, शेर हो, इवन घर के अगर पालतू जानवर है तो डॉक्टर के लिए अच्छा होता है, उसके लिए तरह तरह से हॉस्पिटल्स भी खुले होते हैं, सरकारी सेक्टर में भी हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी वेटरनरी हॉस्पिटल्स होते हैं। और इसी तरीके से जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, आप अभयारण्य है, एक वन्य प्राणी अभयारण्य बनाया गया है जिसमें जंगली पशु है, वहां पर एक शेर है जो डेली शिकार करके खाना खाता है लेकिन उसको कुछ प्रकार की बीमारी हो गई, तो उसको ठीक करना भी एक पशु चिकित्सा का काम है। तो फिर इन्हें ले जाया जाता है, उस पशु की प्रॉपर जो है देखरेख की जाती है, उसको मतलब बेहोश करके ऑब्वियसली नहीं तो खा जाएगा, बट हाँ उसकी प्रॉपर देखरेख की जाती है, उसकी चोट को सुधारा जाता है। तो डॉक्टर का काम जो होता है वहां पर पशुओं के लिए वैसा ही होता है जैसा इंसानों के प्रति। इसी तरह हम लोगों ने देखा है कि कभी पक्षी है जो पेड़ों में फंस जाते हैं, पेड़ों में तो नहीं लेकिन ऑब्वियसली हमारे तरफ से किए गए जो तार वगैरह हैं उनमें फंस जाते हैं, कभी प्यास से तड़प के गिर जाते हैं बेचारे, तो ऐसे समय पर उनकी भी देखरेख करना, लोग तोता पाला करते हैं, उसको कभी कोई बीमारी हो गई तो उसकी देखरेख करना भी डॉक्टर एक पशु चिकित्सक के काम में आता है। साथ ही साथ समय समय पर टेस्ट लेते रहना एक पालतू पशु का भी एक वेटरनरी डॉक्टर का काम होता है। आप सभी को पता है अगर आपके पास में एक जानवर होगा, छोटा कुत्ता बिल्ली गाय जो भी आपने पाला होगा, तो समय समय पर उनको जो है देखरेख की जरूरत होती है, उनका सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, जो इंजेक्शन लगाया हुआ था, जैसे कुत्तों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनसे आपको इन्फेक्शन ना फैले, तो समय समय पर उसकी ट्रीटमेंट करते रहना, उसका जो है देखरेख करते रहना, जो भी उनके उस कुत्ते के मालिक है उनसे बराबर टच में रहना कि यार आपने करवाया नहीं, ट्रीटमेंट करवाया नहीं है तो फिर जल्दी से आकर के करवा लीजिए ताकि उस कुत्ते की वजह से आपको बीमारी ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुत्तों को बाहर लेकर के जाते हैं, गार्डन में घुमाते रहते समय पर टिक्स लगने का खतरा होता है, तो ऐसे समय पर डॉक्टरों को उनकी देखरेख करनी होती है, संभालना होता है कुत्तों को और प्रॉपरली कुत्तों के मालिक या फिर जो भी जानवर के जो मालिक होते हैं उनको भी समझाना होता है कि किस तरीके से आप इसकी देखरेख कर सकते हो, क्या कौन सा खाना खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, क्या दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, दवाई कैसे खिलानी है, है ना, ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर यहाँ पर समझाते हैं। तो एक डॉक्टर का, एक पशु चिकित्सक का काम जो है ये भी हो जाता है कि वो उस मूक प्राणी की भाषा को समझे, जो भी वो कहना चाह रहा है उसके सेंटिमेंट्स को समझे कि भाई हाँ उसको कहाँ पर दर्द हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे जैसे आप काम करने लग जाते हैं, पशु प्रेमी आप बनते जाते हैं, तो धीरे धीरे आप उनकी लैंग्वेज भी समझने लग जाते हैं कि क्या करने की जरूरत है। अब आते हैं काम की बात पे। पशु चिकित्सक के काम तो आपको पता चल गया कि यार हर एक प्रकार के प्राणी को आपको इलाज करना होगा, देखरेख करनी होगी, इसलिए आपका पशु प्रेमी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पशुओं को धिक्कार देते हैं, आपको नहीं पसंद है, तो ये काम आपके लिए नहीं बना हुआ है, ये समझ लीजिए। लेकिन अगर आप बनना चाहते हैं, है ना, आपको पशु अच्छे लगते हैं और आप बनना चाहते हैं पशु चिकित्सक, तो क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, 5 साल के भी कोर्सेज अवेलेबल है और 2 साल के भी कोर्सेज, मैं एक एक करके नाम लेता हूँ। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये एक 5 साल का कोर्स होता है, जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना MBBS होता है, वैसे इनका भी एक 5 साल का कोर्स होता है जिसमें हर एक तरीके से इवन सर्जरी वगैरह सब कुछ के भी कोर्सेज सिखाए जाते हैं।
तो एनिमल्स को कैसे रखना है, कैसे उनको समझना है, कैसे उनकी भाषा समझनी, कैसे उनके दुख दर्द झेलने हैं और साथ में साथ उनका इलाज भी करना, ये सब चीज़ यहाँ पर सिखाई जाती है। फिर एक डिप्लोमा भी होता है जिसको डिप्लोमा इन वेटरनरी फार्मेसी कहा जाता है। फार्मेसी से संबंधित है ज़्यादातर, इनकी गोली दवाइयों से रिलेटेड ये कोर्स होता है जिसमें इनकी गोली दवाइयाँ, इनको क्या केमिकल क्या दिया जाता है, कैसे कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ये सिर्फ 2 वर्ष का होता है। अगला है मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस। ये MBBS के लेवल की डिग्री होती है जिसमें आपको 2 साल का ही है, लेकिन यहाँ पर आप एक बड़े उच्च स्तरीय अधिकारी बन सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्शन में आपकी नौकरी लग सकती है। और यहाँ पर 2 वर्ष के अंदर आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सिखाई जाती है। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा नाम है कि वेटरनरी साइंस, यानी आप उस पशुओं के बारे में पूरा विज्ञान उनका समझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको इतना नॉलेज हो जाता है कि किस प्रकार से ये बिहेव करेंगे। और अगर आप और एक स्टेप आगे लेना चाहें तो PhD in वेटरनरी साइंस आप कर सकते हैं। ये भी 2 साल की PhD होती है। इसके बाद आप चाहें तो किसी अच्छे चिकित्सालय में या फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। PhD के बाद आपको लेक्चरशिप करने के लिए मिलती है, कमाई वहाँ पर भी होती है, लेकिन आपको यहाँ पर करके दिखाना होता है, एनिमल से आपके जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे होने दिए, तब जाके आप ये काम अच्छे से कर पाते हैं। जॉब्स कहाँ पर होती हैं तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आपने पशु चिकित्सालय देखे होंगे, हर गांव शहर में होते हैं, तहसील या ब्लॉक में ऑब्वियसली होते ही हैं, या फिर आप देखेंगे जिले में एक बहुत बहुत बड़ा सा पशु चिकित्सालय होता है जो सरकार की तरफ से होता है, यहां पर आपको नौकरी मिल सकती है। उसके लिए आपको जो भी एग्जाम है वो देने होंगे, उसके बाद आप वहां पर लग सकते हैं। फिर अगर आप एक जिले के अस्पताल में लगे हुए तो समझिए उसके आसपास अगर कोई जू है या फिर कोई मतलब जितने प्राइवेट हैं वो लोग तो आएंगे ही आएंगे, साथ में जू वाले आ सकते हैं। सरकारी अगर कोई अभ्यारण बनाया गया है, कोई उद्यान बनाया गया है जिसमें पशु हैं, तो उनकी देखरेख करना भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी गांव में पोस्टेड है तो वहां पर जितने भी एनिमल होते हैं, गांव में आपको पता ज़्यादातर लोग गाय पाला करते हैं, बैल पाला करते हैं, भैंसे पाला करते हैं, तो ये भी इनकी भी देखरेख करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। सैलरी कैसी मिलती है वो भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर के जैसे आपने आपको पता ही आजकल सभी लोग जो है एक ना एक एनिमल पाला करते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, लोग चूहे भी पालते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी ये जॉब की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे समय पर आपको जगह जगह पर दिखते होंगे कि भाई एनिमल हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट होता है लेकिन आपको वहाँ पर रखा जा सकता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है काम करने का तो आपको अच्छी पोस्ट मिल जाती है। अगर आप डिग्री या डिग्री नहीं की है, डिप्लोमा करके आए हैं, तो आपको शुरुआत थोड़े कम सैलरी से दी जाती है। स्टार्टिंग आप कह सकते हैं कि हाँ 15,000 से 20,000 रुपये से होगी, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आप और ज़्यादा चीज़ें सीखते जाएंगे, आपकी यही जो पेमेंट है वो अलग लेवल पर चली जाती है। सरकारी सेक्टर में आप जाएंगे तो स्टार्टिंग वहाँ पर भी आपकी जो है 20,000 से 30,000 रुपये से शुरू होती है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे आप डेवलप होते जाते हैं और आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है, आप उसी सैलरी को 1,00,000 रुपये तक भी लेकर के चले जाते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी जानवरों से प्रेम करते हैं, जानवरों को समझते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनको उनका इलाज करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिलती है, कम समय लगता है, सीख सकते हैं आसानी से। अगर आपको दोस्ती करना पसंद है एनिमल से, जानवरों से, उनकी बातें आप समझ सकते हैं, जैसे होता है ना हमारे आसपास के जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको हम लोग हाथ फेरते हैं, कभी उनसे मिल लेते हैं, कभी किसी के घर में जाते हैं वहाँ पर उनका पालतू जो जानवर होते हैं उनसे मिलते हैं और हमें अच्छा लगता है, तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट फिट हो सकती है। इवन काफ़ी सारे इंडिया में NGOs भी हैं जो इन जानवरों के लिए काम करते हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनके लिए काम करते हैं, तो इनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको जो है एक मतलब आपकी आमदनी का साधन भी हो जाता है और आप एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।